So बच्चों, last time we saw something called as we started with semiconductors. We discussed about lot of things. Like for example, there are two types of semiconductors. One is pure semiconductor. One is so intrinsic is pure. Jabar pure silicon, pure germanium, all these things will be there. Extrinsic is nothing but doping. The doping that you are doing, the impurities that you are adding. So basically हमने दो तरीके से देखा था बच्चों. And okay, so we saw doping, where we add impurity. It can be either trivalent or pentavalent. N-type, P-type semiconductor. तो वो सब मैं तुमको वीडियो भेज दिया. Everything is there here. And the best thing about doping is we increase electrical conductivity. कोई चीज अपन क्यों करते हैं? क्योंकि अपने को उसके फायदा चाहिए, ठीक है? तो we are doing it because we want to increase the conductivity. So now with that regards, we are going to start with something very very important. We are going to start with something called as PN junction diode. अबे क्यों चाहिए? इसका मैं क्या करूँ? इससे क्या होगा? So P type semiconductor, N type हमको समझ में आ गया, impurity समझ में आ गई. अब तुमको ये चीजें याद होनी चाहिए बच्चों, जो तुमको बेसिक काम आएगा इधर. जब मैंने तुमको P type पढ़ाया था, तब तुमको मैंने क्लियरली बताया था कि P type में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में हम क्या ऐड करते हैं. तो मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं. N type semiconductor में doping is done obviously, and we add a pentavalent element. Okay, चार सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स है, तो पेंटावेलेंट में 5 होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है बच्चों, ठीक है? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाता है, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चों. सो यहाँ पर ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है बच्चों. सो हियर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. सो एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल बी, लॉजिकली समझना बच्चों, एकदम लॉजिकली. ओके, अच्छी तरह से सुनना अब जितना भी लेक्चर होगा, व्हाटएवर भी. ओके, सो इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर दिमाग लगाना एकदम. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब क्या? एक सेमीकंडक्टर में मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था, दो तरीके से होता है, होल से भी करंट पास होता है और इलेक्ट्रॉन से भी. सो हियर इन एन टाइप वी हैड अ पेंटावेलेंट इंप्योरिटी. तो लास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था ये. अब मेजॉरिटी चार्ज के पेंटावेलेंट के जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहां पर तुम्हारा हो जाएगा बच्चों इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होल्स माइनॉरिटी हो जाएंगे, होल्स कम हो जाएंगे. लेकिन वही अगर मैं पी टाइप की बात करूंगा बच्चों, पी एट अ ट्राइवेलेंट एटम, तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की, that will be nothing but holes. Now why holes? सिलिकॉन के एटम में there are 4 electrons, 3 ही आ रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक नहीं मिल रहा, तो ऑब्वियसली खाली जगह है, तो ऑब्वियसली दैट इज नथिंग बट होल ओनली. सो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल है. सो या सो एन टाइप पी टाइप ये लास्ट टाइम का रिविजन अपन ने कर लिया. ओके, ये दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिवाइज. ओके, फॉर एन टाइप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन, और लॉजिकली लट्टा नहीं मारने का, एन टाइप का पेंटावेलेंट होता है, समझने का. सिलिकॉन के देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन, पेंटावेलेंट मतलब 5. ओके, तो एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक एक्स्ट्रा बच गया, तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. ऐसे एक एटम के लिए वैसे सो इफ आई टॉक अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर, वेरी सिंपली सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ट्राइवेलेंट मतलब 3 ही है, तो 1 2 3, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक तो नहीं मिला ना, तो खाली जगह रह गई, तो यहाँ पर तो होल ज्यादा हो जाएंगे क्योंकि खाली रह गया ना, तो इसलिए यहाँ पर होल है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर. तो एन टाइप एंड पी टाइप वी आर क्लियर नाउ, राइट? वी आर क्लियर नाउ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक, टुडेज एक्चुअल टॉपिक. इट इज पीएन जंक्शन. वेरी सिंपल, वेरी इजी, सुनते जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ. सो पीएन जंक्शन, सी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पीएन जंक्शन नाउ. सो वी हैव अंडरस्टूड पी टाइप सेमीकंडक्टर, वी हैव अंडरस्टूड एन टाइप सेमीकंडक्टर. सो नॉर्मल है, दोनों को मिला दो बस. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस. व्हेन अ N type and P type semiconductor materials fuse together. A PN junction is formed. And it shows a very interesting properties, and it is the basis of all the modern electronic devices. That is what it is written. So, and why it is because इसी का एक्सटेंशन है जो भी आगे पढ़ोगे तुम जो भी पढ़ोगे. सो देयर आर सर्टेन कॉन्सेप्ट यू शुड नो वेरी क्लियरली. ओके, सो बेसिकली ये ऐसा होता है, मैं तुमको बताता हूँ. अगर तुमको एक्सप्रेस करना हो डायग्रामेटिकली, बेसिकली पीएन जंक्शन मतलब बेसिकली ऐसा ही होगा. दिस इज पी टाइप सिलिकॉन, मोस्ट कॉमन एग्जांपल, एंड एन टाइप. दे हैव फ्यूज्ड बोथ ऑफ देम टुगेदर, एज सिंपल एज. लेकिन नाउ यू शुड नो इंटरनली क्या हो रहा है, सिंपली एकदम. सो लेट अस एक्सप्लेन यू विद दिस डायग्राम. ऐसे समझो इसको. So if it is p type and this is n type, in p type if we can recollect, majority charge carrier were holes. Okay, because of obvious reasons. तो आप ज्यादा करके होल्स होंगे. एंड माइनॉरिटी आर इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को मैं ऐसे बताता हूँ कि माइनॉरिटी कम है. बट इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स आर मोर. एंड होल्स आर माइनर, कम होता है. ठीक है. सो नाउ दिस इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आर अगेन होल्स है, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है. अब सिंपली बच्चों, बहुत सिंपली समझने की कोशिश करना. होल्स एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. दे आर नॉट, दे आर इमेजिनरी पहली बात तो, बट दे एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. एंड एन टाइप में देयर आर इलेक्ट्रॉन्स, राइट. So obviously negative positive तरह attract होगा. तो this electron will by default will travel here, and when they travel बच्चों obviously neutralize करेंगे. electron move करेगा, electron move करेगा तो holes जो positive की तरह act कर रहे हैं और जो electron negative charge का है वो neutralize करेगा. एंड जो current होता है बच्चों, this is nothing but obviously electron move कर रहा है और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को करंट बोलता है. तो दिस इज नथिंग बट डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूज हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो रहा है. इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप में डिफ्यूज हो रहा है. वो होल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, होल को न्यूट्रलाइज कर रहा है वो. तो सिंपली हो क्या रहा है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का पी टाइप की तरफ. तो देयर इज अ करंट जनरेशन दैट वी कैन सी एक्चुअली. Okay, we can see the current generation over here. So current is called as a diffusion current. The process is diffusion. अब अगर तुम इसको देखोगे ध्यान से एक्चुअल में क्या हो रहा है, तब तो अंदर से देखते हैं. तो इधर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो देखो इस साइड पे होल ज्यादा है, इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन बीच के पोर्शन में क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो बच्चों ना ही इलेक्ट्रॉन है वहां पर, ना ही होल है। यहां पर अगर तुम देखोगे, इसको हम नो चार्ज रीजन बोलेंगे एक तरीके से, इसको हम नो चार्ज रीजन बोल सकते हैं। होंगे थोड़े बहुत यार, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन और होल अपने आप को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, फ्यूज कर रहे हैं। ओवरऑल देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ चार्ज and this region, this particular region is called as a depletion layer. Okay, now अंदर थोड़ा और समझते हैं इसको सिंपली, और टर्म्स को समझते हैं। डिप्लीशन लेयर किसको बोलते हैं, सिंपली किसको बोलेंगे डिप्लीशन लेयर? इट इज अ लेयर एक्चुअली। सो बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जंक्शन के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट हो रहा है, तो उस कारण से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन हो क्या रहा है वहां पर, ये इलेक्ट्रॉन ये होल को भर रहा है, तो वी आर गेटिंग फ्री चार्ज कैरियर्स। व्हाट वी आर गेटिंग इवेंचुअली इज द न्यूट्रलाइजिंग जोन। सो अगर तुमको डिफाइन करना ही है तो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर लेता हूं सिंपली। द रीजन across the PN junction layers किधर और the region across the PN junction where there are no charges, कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों उसको होल भर रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है। सो दिस इज योर डिप्लीशन लेयर। सो नाउ अंडरस्टैंड वन मोर ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। सिंपली बच्चों बहुत सिंपल तरीके से समझना है इसको, बहुत सिंपल तरीके से, वेरी सिंपली। बहुत कॉम्प्लिकेट करके दिया बुक में, इतनी सारी चीजें लिखाई जरूरत ही नहीं, बहुत सिंपली समझना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है बच्चों, नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर होल की कमी हो रही है, तो होल की कमी मतलब नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। नेगेटिव नहीं आ रहा है लेकिन होल की तो कमी हो रही है। जिंदगी में पॉजिटिविटी जाती है मतलब नेगेटिविटी आएगी, जिंदगी में अगर पॉजिटिविटी जा रही है तो नेगेटिविटी तो आएगी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आ रहा है, बहुत इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन ज्यादा नहीं होता। बट यहाँ पर होल भर रहा है तो पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों, तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ही ना। खाने को नहीं है तो ऑब्वियसली पतले पड़ोगे, भूख नहीं। इसको ऐसे एनालॉजी से समझो, खाने को अगर तुम्हारे पास होगा नहीं, या इसको बहुत सिंपली समझो, जिंदगी में पॉजिटिविटी चलेगी तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी होगी, पॉजिटिव चार्ज जैसा कुछ होगा। तो इस तरह से बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। एज अ रिजल्ट बच्चों व्हाट विल हैपन, वेरी सिंपली दिस पी टाइप, इन द पी टाइप रीजन नियर द जंक्शन देयर आर नेगेटिवली चार्ज्ड एक्सेप्टर आयंस। ओके, negatively charged acceptor ions, and यहाँ पर there is n type में there is p type, and n type में there are, आपको दिख रहा है positively charged donor ions। अब होगा क्या बच्चों, बहुत सिंपली समझने की कोशिश करना। आखिर हुआ तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही बच्चों, इसको डिफ्यूजन बोलते हैं हम। अब एक पर्टिकुलर लेवल तक डिफ्यूजन होगा तो इस कारण से डिफ्यूजन लेयर बनेगी। और ये भी चीज है बच्चों एक नोट करना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। तुमको जब मैंने पढ़ाया था बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैंने तुमको हमेशा बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी क्योंकि डिस्टेंस ना कोई डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा यहाँ पर। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बच्चों वन मोर टर्म पोटेंशियल बैरियर। देयर इज अ पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स एंड व्हाई इट इज सो। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तुमको याद है नहीं फॉर्मूला इक्वल टू वी बाई डी। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ देयर इज सम डिस्टेंस एंड देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, सो देयर इज पॉजिटिव नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही। तो वी क्या होगा, ईडी होगा, तो देयर विल बी सम वोल्टेज अक्रॉस इट एंड दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल वोल्टेज। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग बच्चों, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ व्हाट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। एंड एक डिप्लीशन लेयर बड़ा नहीं होती जाएगा, ऐसा नहीं होगा कि देखो अभी समझना कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन भी इधर आके इसको थम जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब फिर पूरा डिप्लीशन रीजन बन जाएगा। ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता। डिप्लीशन रीजन का एक पर्टिकुलर लेयर होता है। ऐसा क्यों बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बच्चों, इधर तक समझ लो बेटा। जैसे मैंने तुमको बताया ये हर इलेक्ट्रॉन इधर होल में नहीं जाएगा, हर इलेक्ट्रॉन तो होल में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। नहीं क्यों नहीं जाएगा बेसिकली, अब देखना, सिंपली समझना, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब और इलेक्ट्रॉन इधर क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है बच्चों, तो रिपल्शन होगा ना खतरनाक, और एक जो होल है उसका तो जाने का सवाल ही नहीं बनता बच्चों। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और नहीं जा, और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी बन चुका है, तो रिपल्शन होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जाना भी एक लिमिटेड है, न्यूट्रलाइजेशन होना भी लिमिटेड है उसका। तुम बोलोगे पूरा का पूरा लेयर ही, फिर तो पढ़ाई क्यों कर रहे हैं अपन, पूरा का पूरा लेयर ही न्यूट्रल बन गया, चार्ज ही नहीं है पूरे लेयर में, तो क्या ही करना है अब आगे, बंद कर दो पढ़ाई। नहीं हो रहा ना ऐसा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद और इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, डिस्टेंस भी ज्यादा है, दूर दूर है इलेक्ट्रॉन, उसके पास उतनी एनर्जी भी नहीं है, और अगर होती भी है मान लो फिर भी रिपल्शन है ना, इधर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया ना इधर, तो इस कारण से बच्चों रुक जाता है। इसके लिए डिप्लेशन लेयर का एक पर्टिकुलर लेयर ही होती है, एक पर्टिकुलर छोटी सी लेयर, ज्यादा नहीं होती बेटा, ज्यादा नहीं होती। और कुछ ऐसा भी समझ सकते हो उसको, और भी चीज अगर और अंदर जाना है तुमको तो बहुत सारी चीजें और भी समझ सकते हो। तुम डोपिंग बढ़ाओगे बच्चों, अगर फॉर एग्जांपल मैं तुमको ऐसा बोलूं, तुम डोपिंग को इंक्रीज कर दो, डोपिंग को, इंप्योरिटी को और ज्यादा ऐड कर दो, तो और ज्यादा पीएन जंक्शन होंगे, और पी टाइप एन टाइप, और क्या होगा बच्चों, डिप्लेशन लेयर तुम्हारा और शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि उतना ज्यादा न्यूट्रलाइजेशन होगा एंड उतना लेयर छोटा हो जाएगा। बट दैट इज समथिंग दैट विल डील लेटर ऑन आल्सो, बट दिस इज द बेसिक आइडिया। आई होप इधर तक सब लोग को समझ में आ गया है।